दोस्तों, रोजमर्रा के कामों को करते हुए हमें कई तरह की दिक्कत भी आती है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो लाई हूँ किचन एंड होम रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुबी सिंपली क्रिएटिविटी। दोस्तों, गैस स्टोव को अगर हम लोग क्लीन नहीं करेंगे तो कॉकरोच चींटी आने का बहुत संभावना रहता है, तो वही मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप उन सबों से कैसे बच के रहेंगे, कैसे आपका किचन को क्लीन रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिक्विड सोप लिया है दोस्तों, मेरे पास विम लिक्विड थी तो मैंने उसी को यूज़ किया है। आपके पास जो भी होगा आप उसी को यूज़ करिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे डेटोल लिक्विड थोड़ा सा ले रही हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है डेटोल एक मल्टीपर्पज़ हाउस होल्ड क्लीनिंग एसेंशियल है। हमें इसको सिर्फ चोट पे ही नहीं, घर के क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस स्टेज में दोस्तों पानी नहीं मिलाना है, नहीं तो झाग बन जाएगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही इसमें पानी मिलाना है। और पानी मिलाने के बाद आपको इस तरह से इसको मिलाना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बॉटल में मैं इसको रख दूँगी। और स्प्रे बॉटल में रख रही हूँ ताकि मुझे क्लीनिंग के टाइम में ईजी हो। दोस्तों, कोरोना काल में हम लोग बहुत सारे सैनिटाइजर वगैरह मंगाए हैं, तो उसमें आप इस तरह के खाली बोतल अगर होगा तो आप इसको रख के इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। और रात में दोस्तों खाना बनाने के बाद इसको आप नीचे साइड में भी इस तरह से क्लीन कर दीजिए, नहीं तो कॉकरोच सब आने का चांस रहता है। तो दोस्तों, सेकंड टिप है कि ये नीडल थ्रेड, जैसे कि ये नीडल है ना, हम लोग बहुत सारे लोग इस तरह से रख देते हैं नीडल को थ्रेड्स में ही घुसा के, बट निकलने के टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चुभ भी जाती है, और अगर डब्बे में इस तरह से आप रख देंगे तो उसमें खोजने के टाइम भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बहुत बार लग चुकी है, तो इसीलिए मेरा दिमाग खुल गया है। तो मैं यहाँ पर इस तरह के डब्बे ले रही हूँ, और ये मेरे नेल पेंट रिमूवर के जो डब्बे हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और सब नीडल को रख दूँगी। और जिसमें ये जो धागा बचा हुआ है ना दोस्तों छोटा सा, तो उसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करके उसको रख दूँगी, क्योंकि जब भी हम लोग सिलाई करते हैं थोड़ा बहुत बच ही जाता है तो कितना फेंकेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ होगा तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। और ये छोटे वाले जो नीडल है उसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूँगी। तो बड़े वाले नीडल के लिए दोस्तों मैंने पेन लिया है, और ये तो लगभग सभी के घर में पाए जाते हैं इस तरह के पेन, तो मैंने उसको यहाँ पे इस तरह से डाल लिया है और उसको बंद करके उसका कैप को भी बंद कर दूँगी। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस तरह से यहाँ से निकालूँगी। और इसमें ये है, एक फ़ायदा है कि आपको चोट भी नहीं लगेगी, सुई भी नहीं चुभेगी जब आप खोजने जाओगे, और काम हो जाएगा। तो इसको बंद करके फिर से इसको रख दीजिए। दोस्तों, किचन में काम करते करते सब्जी वगैरह जब बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आधा प्याज बच जाता है, तो इसको ऐसे रख भी नहीं सकते हैं और इसको फेंक भी नहीं सकते हैं। तो इसको अच्छा से रखने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं 2-3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। दोस्तों, आप ऐसा फ्रिज में रख दोगे तो फ्रिज में स्मेल भी आती है, तो इसीलिए इसको आप अच्छा से अब यहाँ पे करके इस तरह से रखने के बाद फ्रिज में रख दीजिए ताकि उसमें स्मेल भी ना आए, और नेक्स्ट जब भी सब्जी बनाएंगे तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक से कि ये पैर पोछने वाला डोरमेट। और दोस्तों, ये कभी कभी ऐसा होता है कि फिसल जाता है, और मैं फिसल चुकी हूँ 2-3 बार, इसीलिए मेरा ये दिमाग खुल गया है और अभी ये मैं यूज़ कर रही हूँ जो ट्रिक, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लू गन का जो ग्लू रहता है उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, और थोड़ा देर के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। ये तो तुरंत ही ड्राई हो जाता है वैसे, और ये जैसे ड्राई हो जाएगा दोस्तों मैं इसको इस तरह से रख दूँगी थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, और जैसे ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। और ये देखिए अभी पूरा अच्छा से फिक्स हो गया है। दोस्तों, कैटल कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैंने देखा अंदर तो अच्छे से क्लीन कर पा रही थी, हाथ घुस जा रहा था, लेकिन ये जो पानी जहाँ से निकलता है वहाँ पर मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी ठीक से, और उसमें दागी भी बैठ गया था। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक टूथपिक लिया है और उसी से मैं यहाँ पे गंदगी को निकाल रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ। और इससे भी अच्छा आइडिया अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए।
दोस्तों आपका एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मैं यहाँ पे ज़्यादातर DIY वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है होम डेकोरेशन करने में, आपको अच्छा लगता है अपना घर को सजाना, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पर DIY वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ और वो भी वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नया आइडियाज़ के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।